हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पीडीएस न्यूज हेल्पलाइन पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया हमारे यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी उसे दबा दीजिए, जिससे आपको सेकावाटी विश्वविद्यालय से जुड़ी जानकारी व शिक्षा से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर मिल सके। तो दोस्तों, मैंने क्या किया कि ये पोस्ट जो आप देख रहे हो यहाँ पे वीडियो में, ये मैंने इंस्टाग्राम के पोस्ट में और स्टोरी में डाली थी। तो मुझे किसी भाई ने बोला कि भाई इस पे वीडियो बना दो, ये किस बारे में है और ये क्या चीज़ है। आज के न्यूज़पेपर में भी ये आया था, तो मैं आपको पूरा इसको पढ़ के बताता हूँ ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है और ये किसके बारे में है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विधिक अध्ययन व वाणिज्य विभाग में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रवेशार्थी समस्त दस्तावेज के साथ अपना आवेदन पत्र अंतिम तिथि को शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करा दे। छात्र अपना आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sekayunivers.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है। विधिक अध्ययन तथा वाणिज्य विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार समयपोषित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें जो पाठ्यक्रम है और सीट है, इसमें अभी 2 फैकल्टी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जैसे पीजी के अंदर अगर आप बीकॉम, बीएससी या फिर बीए कर चुके हो और लॉ के अंदर आप एलएलबी कर चुके हो तो आप इन दोनों पाठ्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं और सेकावाटी विश्वविद्यालय से अब आप यहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है वो है विधिक अध्ययन विभाग, मतलब लीगल स्टडी डिपार्टमेंट। अगर आप एलएलबी कर चुके हो तो यहां पे आप 2 साल का एलएलएम का कोर्स कर सकते हो। इसमें आपको 40 सीट दी गई है, 40 स्टूडेंट है वो एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरा है स्नातकोत्तर डिप्लोमा साइबर लॉ का, आप यहाँ से कर सकते हो कोर्स, जिसमें 40 सीटें हैं। और अगला है वो है स्नातकोत्तर डिप्लोमा लीगल फॉरेंसिक्स, क्या लिखा हुआ, साइंस, इसमें 40 सीट है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, पीजी कर सकते हो, मतलब कि यूजी कंप्लीट हो गया तो पीजी में एडमिशन ले सकते हो। अगला इसमें है वो है वाणिज्य विभाग, जैसे आपने बीकॉम बीएससी कर चुके हो उसके बाद में आप यहां से यूनिवर्सिटी से आप लेखा शास्त्र एबीएसटी बीएडएम और ईएफएम, इसमें 40-40 सीटें दी गई है, तो आप अपना एडमिशन यहां पे करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी पीजी कर रहे हैं कॉलेज से तो आप यहां पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक पीजी वालों के कुछ के रिजल्ट भी नहीं आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे डेट भी दी गई, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। चलिए हम डेट को देख लेते हैं। यहाँ पे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है वो 3/12/2020 तक आप अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो मेरिट लिस्ट है, प्रवेश सूची प्रकाशन तिथि, वो 4/12/2020 है। फिर आपको डीडी बनवानी पड़ेगी बैंक से और वो फिर आपको जमा करवानी है, उसकी डेट है 8/12/2020। उसके बाद में रिक्त सीटों पर प्रवेश शुल्क जमा करवाने की तिथि, अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो इसमें एडमिशन लिया जाएगा, तो इसकी भी इसमें डेट दे रखी है। तो इसमें इसकी डेट दे रखी है 10/12/2020। उसके बाद में नियमित कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, वो होगी आपकी 16/12/2020 को। तो दोस्तों, अगर कोई करना चाहता है पीजी के अंतर्गत एबीएसटी या एडम ईएफएम, तो यहाँ पे 40-40 सीटें दी गई है, तो अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। कोई इच्छुक है, करना चाहता है विश्वविद्यालय से, तो कर सकते हो। और यहाँ पे बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट है वो मेरे हिसाब से पहली लिस्ट है वो 60 या 70 के बीच में निकलेगी, तो एडमिशन करवा लीजिए। और यहाँ पे अभी जो विज्ञान और कला संकाय का है वो अभी पाठ्यक्रम इसमें नहीं आया है, जैसे ही आता है मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो ले सकता है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि पोस्ट किसके बारे में था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए।
अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं वीडियो से हेल्पलाइन को, तो आप हमारे और आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पास में बेल आइकन घंटी उसे दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं नया कोई वीडियो बनाऊंगा उसकी अपडेट आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल जाए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।